गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। महंत दिग्विजय नाथ के 51वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि सभा। मुख्यमंत्री ने कहा, श्रद्धांजलि समारोह हमारे पूर्वजों का दिलाता है स्मरण तथा अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रदान करता है अवसर। मंजुलायुक्त ने शनिवार को किया बीआरडी मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन 500 बेडेड सुपर स्पेशलिस्ट बाल संस्थान का निरीक्षण। कहा, कोरोना मरीजों के लिए जल्द ही शुरू होगा 300 बेड का लेवल 3 का अस्पताल। गोरखपुर विश्वविद्यालय के नवागत कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कार्यभार किया ग्रहण। शिक्षकों ने बुके देकर किया सम्मानित। नए कुलपति ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को दी शुभकामनाएं। नवागत कुलपति का स्वागत करने में विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों में दिखी होड़। गोरखपुर पहल के तहत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में राजस्व निरीक्षक और राजस्व लेखपाल के साथ की गई मीटिंग। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई आरआरटी की बैठक। का होम आइसोलेट किए गए मरीजों के स्वास्थ्य की करे देखभाल। इलाज में न बरते लापरवाही। गगहा पुलिस ने पोखरी गाँव में हुए डबल मर्डर में नामजद वांछित अंतिम 10वें अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर में 295 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 10,744। अब 2,927 हुए एक्टिव कोरोना मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के नवागत कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रेस से हुए रूबरू। कहा, 1-2 वर्ष में गोरखपुर विश्वविद्यालय को टॉप 50 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल कराने के साथ ग्रॉस एनरोलमेंट अनुपात 50% करने की कही बात। शहर के 22 प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्रों और 5 मोबाइल वैन पर मुफ्त कोरोना की लगाई गई जांच शिविर। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा कोरोना मुफ्त जांच शिविरों का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महंत दिग्विजयनाथ महाराज एवं महंत अवैधनाथ महाराज के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ समापन। मुख्यमंत्री ने कहा, गोरक्षपीठ के पूज्य दोनों आचार्यों ने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति को चुना अपने जीवन का ध्येय। श्री राम के चरणों में ही मिलती है मुक्ति। विद्युत विभाग के चेकिंग के दौरान रिमोट कंट्रोल के माध्यम से तथा डायोड लगाकर चोरी करने वाले 9 उपभोक्ताओं पर विभाग ने दर्ज कराया FIR। काटे 45 बकायेदारों के विद्युत कनेक्शन। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के सदस्यों ने ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित सौंपा ज्ञापन। अपनी मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग। बिजली निगम के निजीकरण के खिलाफ लगातार 5वें दिन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों ने मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। कहा, किसी भी सूरत में बिजली निगम का नहीं होने दिया जाएगा निजीकरण। शिक्षक दिवस के अवसर पर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने BSA को गुलाब का फूल देकर किया सम्मानित। 2 सूत्रीय मांग पत्र सौंप कर उसके निस्तारण की मांग। और गोरखपुर मैरिज हाउस एसोसिएशन ने सरकार से लगाई गुहार। कहा, शादी सहित अन्य समारोह में शामिल होने के लिए मिले 300 से 400 लोगों की अनुमति, जिससे चल सके मैरिज हाउस का व्यवसाय।